Do you want to know? Hey guys, welcome back to my channel. So आज मैंने क्रिएट किया है सुपर ग्लैम रेड मोनोक्रोमेटिक लुक। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आई मेकअप से, और आई मेकअप के लिए अपने आईज़ को प्राइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इज़ाबेला का लिक्विड कंसीलर, और उससे अपनी पूरी आईलिड्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब कंसीलर लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि जो भी आप आई शेडो अप्लाई करें ना, वो अच्छे से निखर के आए, उसका जो एग्जैक्ट कलर है ना वो आए। तो यहाँ अच्छे से मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और इससे जो भी डार्कनेस रहती है ना आईज़ की, वो भी हाइड हो जाती हैं। तो कंसीलर लगाना ज़रूरी होता है, और अगर आपके डार्कनेस नहीं भी है ना तो हाईलाइट हो जाती हैं आपकी आँखें। तो हर एक केस में कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, उसमें से ये बीस शेड लेकर के अपने पूरी आईलिड्स पे सेट कर लूँगी एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने आईज़ को सेट कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी एक स्पूली, स्पूली से मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। अगेन मैं यहाँ पे बेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, इसमें आईब्रो पेंसिल एंड साथ साथ स्पूली भी दिया हुआ है, तो उसी से मैं सेट कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, शार्प दिखाने के लिए कंसीलर की हेल्प से सेट करूँगी, जिससे जो भी छोटे छोटे हेयर्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे इसे ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे ना तो वो मेस हो जाएगा, तो अच्छे से शार्प भी नहीं होगी और डिफाइन भी नहीं लगेगी। इसलिए इसे ब्लेंड करने के लिए आपको ब्रश ज़रूर लेना है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक मेबलिन की लिक्विड लिपस्टिक से, मैं एक फ्लैट शेडर की ब्रश की हेल्प से एक आईलाइनर की तरह लगा रही हूँ। सिंपली आप जैसे आईलाइनर अप्लाई करते ना, उसी तरह आपको अपने इस लिपस्टिक से आईलाइनर अप्लाई कर लेना, लेकिन आपको टेप लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो शार्प दिखाना है हमें। और उसके बाद एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लाइट रेड शेड लेकर के, बहुत लाइट रेड शेड लेकर के उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। साथ साथ लिपस्टिक भी ब्लेंड हो रही है और उस शेड को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेते हुए उसे डार्क करेंगे हम। यहाँ पे मैं रेड मोनोक्रोमेटिक लुक कर रही हूँ, तो जो है हमारा जो लुक है वो फुल रेड पे होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ की हूँ आई शेडो के लिए। एंड आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए अगेन उससे डार्कर शेड लेकर के ब्लेंड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डार्क शेड लेते रहना है एंड उसे ब्लेंड करते जाना है इस तरह से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ अगेन बेट एंड वाइल्ड का एक ग्लिटर पैलेट लेकर के अपने पूरी आईलिड्स पे सिर्फ गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करूँगी। बहुत ही सिंपल मेकअप है, आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने रेड आई शेडो का यूज़ किया है एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी। तो पूरी आईलिड्स पे अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से अगर अप्लाई करते हैं तो ठीक रहता है, अगर आप ब्रश की हेल्प से करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इस तरह से, और आप देख सकते हैं टेप मैंने निकाला और जो भी थोड़ा बहुत एक्सेस फैल गया है उसको मैं टेप से ही रिमूव कर दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYV का स्टिक कंसीलर, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत अच्छी कवरेज देने वाला कंसीलर है। उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये कंसीलर का काम भी करता है और साथ ही साथ फाउंडेशन का भी काम करता है, तो ना एक बहुत ही अच्छा कंसीलर हो जाता है ये। तो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं एक लूज़ पाउडर की हेल्प से अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। स्पेशली क्या होता है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके टी जोन एरिया पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो आपको पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने इसे सेट कर लिया एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रो बोन्स को डिफ़ाइन करने के लिए थोड़ा सा हाइलाइटर। हाइलाइटर से डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आई शेडो से आँखें भर जाती हैं, तो इसलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट मैं अगेन कॉन्टोर कर रही हूँ अपने बेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट से ही मैं कॉन्टोरिंग करूँगी एक ब्राउन शेड लेकर के। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट रखें, मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई शेडो पैलेट में अगर आपके ब्राउन शेड है, आपकी स्किन टोन का है, तो आप उससे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्टोरिंग करना होता है।
और हमेशा आपको ब्लेंडिंग जो है अपने हेयर्स के डायरेक्शन में ही करनी होती है, अपने हेयर्स लाइन में ही ब्लेंड करते हुए ब्रश को ले जाना होता है। तो इस तरह से उसके बाद मैं उसी पैलेट से थोड़ा सा ऑरेंजी शेड में जो है ब्लश अप्लाई करूँगी। ऑरेंजी ब्राउन शेड है क्योंकि रेड रेड नहीं रखना है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड हो रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए वही शेड मैंने रेड शेड मेबलिन का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया जो मैंने अपने आईज़ के लिए यूज़ किया था। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने बेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर पैलेट लिया और अच्छे से अपने पूरे फेस को हाइलाइट कर लिया है। सो हियर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। लेट मी नो कि ये लुक आपको कैसा लगा इन द कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।